हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीजीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अक्टूबर मंथ का जीके नाउ करंट अफेयर की जो मासिक पत्रिका आती है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए, काफ़ी आपके यहाँ इस माह में सितंबर माह में काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको हम यहाँ पर डिटेल कराएंगे अक्टूबर माह की जो पत्रिका है जीके नाउ करंट अफेयर्स की। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी। देखिए, ये करंट अफेयर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में जो है कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में आपके करंट आता है, ठीक है। तो आप इसे देख लेंगे तो आपको ज़रूर लाभान्वित होंगे। देखिए, डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं, पहला आपका टॉपिक है यहाँ पे, देखिए ये वहीदा रहमान है, इनकी फ़ोटो आप देख लीजिए अभी। तो यहाँ आपको हम इनके बारे में आपको बताएंगे इनको क्या मिला है। देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है, देखिए ये आपकी हेडिंग है, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये देखिए, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 को क्या है दिया जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं। कहने की अनुभवी अभिनेता वहीदा रहमान को 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है, ठीक है। तो इनको जो है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है पुरस्कार देने के लिए क्या है चुना गया है, ठीक है। और इनके बारे में डिटेल में आइए देखते हैं। कहने की दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के के नाम पर एक प्रतिष्ठित सम्मान है, ठीक है। कहने यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दर्शकों पर अस्थायी प्रभाव छोड़ा है, ठीक है। और देखते हैं, वहीदा रहमान को हिंदी सिनेमा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, जिसमें गाइड और रेशमा और सेरा जैसी फिल्में शामिल है। इनके फिल्मों का नाम भी याद रखना है, गाइड और रेशमा और सेरा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं, कहने की वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा समर्पण और शाश्वत सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। उन्हें उद्योग में सबसे यहाँ सबसे सम्मानित और प्रिय अभिनेताओं में से एक बनाती है, ठीक है। यह पुरस्कार प्राप्त करना उनके असाधारण करियर और भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है। आगे हैं, योगदान में स्वीकार करता है उनकी प्रतिभा, जुनून और उल्लेखनीय काम की पुष्टि करता है, ठीक है। ये आप जो है ध्यान न दीजिएगा, लेकिन आपको इनकी फिल्म याद रखना है और इनको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। इनका नाम याद रखना है, वहीदा रहमान, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा। अगला देखते हैं स्लाइड में, अगला क्या है भाई। देखिए अब महत्वपूर्ण दिन करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिन जो है सितंबर में है। चलिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे देखिए मनाया गया है, ये आपका है। कहने की विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। कहने की विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में इस अनुष्ठान की स्थापना की थी, तो ये आपको स्थापना भी ध्यान देना है। विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का चुनाव 1970 के में उस दिन UNWTO के कानून को अपनाने से जुड़ा है। अब देखिए भाई, अगला है जो कि आपको, ये हिंदी दिवस है, ये भी आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न है। कहने कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ठीक है। तो हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है। कहने कि 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आइए कुछ और देख लेते हैं भाई, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था। तो पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था, ठीक है। तो 14 सितंबर 1953 में जो है पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। चलिए अब इसे आप आगे देख लीजिए और इसमें आपको ज़्यादा नहीं, ठीक है, बस इतना इसमें। आइए अगला देखते हैं, ये हाँ देखिए एक्सरसाइज है, ये हुई है भाई। आइए देखते हैं अगला है, अगली हेडिंग है, कहने की सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच 21 से 24 सितंबर तक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिम्बेक्स भारतीय नौसेना सिम्बेक्स जो है किनके किनके बीच यह अभ्यास होता है, तो भारत और सिंगापुर के, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ। कहें सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। यह अभ्यास 21 सितंबर से 24 सितंबर 2023 को क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। सिम्बेक्स का लक्ष्य दोनों नौसेनाओं के बीच
अंतर संचालनता और आपसी समझ को बढ़ाना देना है। ठीक है, आगे आप यहाँ पे है कुछ पॉइंट, आप देख लेते हैं इसमें कुछ पॉइंट आपका। सिम्बैक्स सबसे लंबे समय तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है जिसे भारतीय नौसेना किसी अन्य देश के साथ आयोजित करती है। ठीक है, तो यह जो है सिम्बैक्स जो है सबसे लंबे समय तक चलने वाला अभ्यास। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई सिम्बैक्स जो अभ्यास है वो भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य के मध्य होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। ये भाई आपकी हेडिंग जो है, देखिए ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंस प्रश्न हो जाता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंस प्रश्न हो जाता है, एम एस स्वामीनाथन का निधन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंस प्रश्न बनता है। देखिए इनकी हाल में जो है मृत्यु हो गई है, जिनको आप हरित क्रांति के जनक कहते हैं, भारतीय हरित क्रांति के जनक किन्हें कहते हैं, एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। देखिए इनके बारे में, इनका तस्वीर आप देख लीजिए और देखिए कह रहे हैं कि भारत की हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का क्या हो गया, निधन हो गया है। आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल भी, करें एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक और अक्सर भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एम एस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में निधन हो गया। कहाँ हो गया भाई, चेन्नई में निधन हो गया। ध्यान देने वाली बात है और इंपॉर्टेंस प्रश्न है ये हमेशा आपके परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स में पूछा भी जाता रहा है। आइए देखते हैं और कुछ भाई, करें कृषि में योगदान, स्वामीनाथन ने 1960 के दशक के दौरान भारत के कृषि क्षेत्र में सामाजिक क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनकी नीतियों ने भारत को अकाल जैसी स्थिति से बचाने में मदद की। इंपॉर्टेंस होता है भी प्रश्न, आइए आओ देखते हैं भी। फाउंडेशन उन्होंने एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जो कृषि अनुसंधान और विकास पर केंद्रित था। और देखते हैं, करें उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों का विकास, उनका काम गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म के बीजों के विकास में सहायक था जो भारत में हरित क्रांति की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक था। ठीक है, तो यहाँ ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है पॉइंट, कह रहे कि आदित्य यलवन ने पृथ्वी पर अपना तीसरा पैंतरेबाजी सफलतापूर्वक पूरा की। आगे देखते हैं, कह कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एलवन ने 10 सितंबर 2023 को अपना तीसरा पृथ्वी संबंधित पैतरेबाजी सफलतापूर्वक पूरी की है। ठीक है, आगे अभी इतना तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए आदित्य एलवन को 2 सितंबर को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंस पॉइंट हो जाता है। अगला है, देखिए मिशन सूर्य का विस्तार से अध्ययन करने के लिए 7 अलग अलग पेलोड ले जाता है जिसमें सूर्य के प्रकाश का यहाँ पे सूर्य के प्रकाश का अवलोकन और प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों का माप शामिल है। तो आदित्य यलवन का प्राथमिक लक्ष्य सूर्य के बारे में अज्ञात तत्वों को उजागर करना, तो इसका लक्ष्य आपको ध्यान रखना है, मेन लक्ष्य है सूर्य के बारे में अज्ञात तत्वों को उजागर करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, उपग्रह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए 5 प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पृथ्वी की कक्षाओं में 16 दिन बिताएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ पे आ गया, देखिए ये है आपका जापान, फिगर है। तो जापान ने चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए चंद्र लैंडर SLIM स्लिम लॉन्च किया है। देखिए तो ये आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, तो आप यहाँ पे ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, करेक्ट, जापान ने 7 सितंबर 2023 को चंद्र लैंडर SLIM लॉन्च किया, तो ये आपको याद रखना है। जापान का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, तो पूछेगा कि कैसे लैंडिंग कराना है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनना है। प्रक्षेपण में H2A रॉकेट का उपयोग किया गया, तो ये रॉकेट का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। आगे देखते हैं भी, करें भारत ने हाल ही में एक ऐसे ही चंद्र मिशन में सफलता हासिल की है, और कुछ इसमें चंद्रमा जाने। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तो आइए आपका अब यहाँ पे आपका ये है, ये आपका तय है, आप कह रहे भारत का सौर वेधशाला मिशन आदित्य यलवन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। तो ये आप
देखिए इसमें जो ये मासिक पत्रिका रहती है ऐसे मतलब कि ऊपर की ओर चलती है ना, तो मैंने ऊपर से इसको इसकी पीडीएफ बनाया हूँ ना, तो इसलिए आपको जो ऊपर बता चुके हैं वही आपको नीचे भी, ठीक है जो पढ़े थे। चलिए देखते, ये है आपका आदित्य यलवन। कहने भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य यलवन 2 सितंबर 2023 को क्या हुआ भाई, लॉन्च किया गया, ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पहला है, ठीक है देखिए भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य यलवन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, तो पहला है तो याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और कुछ डिटेल से पढ़ लेते हैं भाई। कहें भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य यलवन 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा PSLV, देखिए इसको याद रखना है रॉकेट का नाम, PSLV जो है C57, ठीक है C57 रॉकेट का उपयोग करके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया। तो यहाँ ये आपको पॉइंट याद रखने की जरूरत है भाई, ठीक है तो आपको इस रॉकेट का नाम याद रखना है, कहाँ से इसे लॉन्च किया गया है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से आपको इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखिए इसका कुछ और जान लेते हैं भाई डिटेल में। देखिए पॉइंट है PSLV C57 विस्तारित स्टेप एंड मोटर्स और उच्च ईंधन क्षमता वाला XL संस्करण है। लंगरेज 1 पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य यलवन की यात्रा में लगभग 4 महीने लगेंगे, कितने भी 4 महीने लगेंगे। और देखते हैं लैंग्रेज 1 बिंदु पृथ्वी से 1.5 मिलियन किमी दूर है और यह स्थान जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण अद्वितीय क्षेत्र बनाते हैं। आदित्य यलवन का प्राथमिक मिशन सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है, ठीक है आगे चलते हैं। आइए देखते हैं ये भी कौन है, डॉक्टर आर रवि कन्नन ये हैं, देख लीजिए इनकी फोटो, तो इनको क्या मिला है भी, पुरस्कार मिला है देखते हैं। कहने कि असम के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आर रवि कन्नन को ने रैमन मैक्सेसे पुरस्कार 2023 जीता। इंपॉर्टेंस प्रश्न है भाई ये आपका, तो इनका नाम रखना है, नाम ध्यान देना है, ये कैसे हैं ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर आर रवि कन्नन ने रैमन मैक्सेसे पुरस्कार जीता है, ठीक है आगे देखते हैं। आइए देखते हैं आगे और डिटेल में इसको करके, असम के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आर रवि कन्नन को रैमन मैक्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है आगे देखते हैं। करें उन्हें असम में कैंसर के इलाज में बदलाव लाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला, खासकर उनकी जन केंद्रित और गरीब समर्थक वालों के माध्यम से। आगे देखते हैं, डॉक्टर कन्नन पहले चेन्नई में कैंसर संस्थान में काम करते थे और बाद में कछार कैंसर अस्पताल का हिस्सा बनने के लिए 2007 में सिलचर चले गए। आइए देखते हैं और भी, ये चलिए यहाँ से आपको कुछ रैमन मैक्सेसे पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है आइए देखते हैं। देखिए कहने की 1957 में स्थापित रैमन मैक्सेसे पुरस्कार उन व्यक्तियों को पहचानने के लिए प्रसिद्ध है जो शासन में ईमानदारी प्रदर्शित करते हैं, लोगों को साहसी सेवा प्रदान करते हैं और लोकतांत्रिक समाजों में व्यवहारिक आदर्शवाद प्रदर्शित करते हैं। इसकी तुलना अक्सर एशिया के नोबेल पुरस्कार से की जाती है, तो पूछा जाता है भी कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो एशिया के नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है, ठीक है तो रैमन मैग्सेसे, ठीक है तो इसकी शुरुआत जो है कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1957 में, ठीक है तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, ठीक है आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है भी। आइए देखते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए शूटिंग है 10 मीटर एयर पिस्टल वोमेन, आइए देखते हैं। देखिए एशियाई खेल चल रहा है, चलिए देखते हैं भाई। कहने कि एशियाई खेल 2023 में जो छठा दिन था, मुख्य उसकी विशेषता क्या है, निशानेबाज पलक गुलिया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका नाम भाई याद रखना है, ठीक है पलक गुलिया ने महिलाओं की कितने मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर ये याद रखना है, और क्या जीती है स्पर्धा में, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है इतना ध्यान आपको यहाँ रखना है, ठीक है चलिए और आपको यही ध्यान देना है। आइए अगला देखते हैं,
देखिए अभी अगला कह रहे हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। आइए कुछ पढ़ लेते हैं डिटेल में भी। कह रहे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 25 सितंबर 2023 को हांगजू चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने करीबी मुकाबले में श्रीलंका को हराया था। यह भी याद रखना है किनको हराया है, श्रीलंका को हराया है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ भाई। कह रहे कि हरमनप्रीत कौर 20 ओवर में 116 रन के साथ टीम की शीर्ष स्कोरर रही हैं। स्मृति मंधाना अर्धशतक से चूक गई और उनके लिए जेमिना रोड्रिक्स के बीच 73 रनों की अहम साझेदारी हुई। तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ आपका ये इंपॉर्टेंस है। तीसरा पॉइंट है एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट में यह जो है भारत का पहला स्वर्ण पदक था। तो पहला है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं और आगे भाई कुछ यहाँ पे है। आइए देखते हैं क्रिकेट के बारे में कुछ इंडियन। देखिए यहाँ पे आपका क्या पॉइंट है अभी, करीब भारत तीनों क्रिकेट प्रारूपों में टेस्ट, वनडे और टी20 में नंबर वन रैंक वाली टीम बन गई है। तो ये गौरव की बात है भाई, भारतीय क्रिकेट टीम जो है तीनों में लगातार तीनों में क्या बनी हुई, पहले नंबर पे आ गई है। ठीक है, देखिए वनडे में तो पाकिस्तान को हराने के बाद पहले स्थान पे आई तो और खुशी मिली थी। चलिए देखते हैं अभी, कहने की भारत क्रिकेट टीम तीनों क्रिकेट प्रारूपों टेस्ट, वनडे और टी20 में नंबर वन रैंक वाली टीम बन गई है। भारत ने 22 सितंबर 2023 को मोहाली में तीन मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की। तो यहां से वनडे में पहले स्थान पर आ जाता है। और देखिए वनडे रैंकिंग में भारत ने पाकिस्तान को शीर्ष स्थान से हटा दिया। तो पहले नंबर पे वनडे में पाकिस्तान थे, इनको जो है पर इनको भी पीछे छोड़ दिए। और भारत में टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर है जबकि इंग्लैंड उससे काफ़ी पीछे है। आगे देखते हैं टेस्ट, देखिए टेस्ट क्रिकेट में भारत पहले स्थान पर जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, और देखते हैं भाई आगे क्या है। आइए देखते हैं भाई अगला पॉइंट क्या है। कह रहे कि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में टीम इंडिया को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। ठीक है, और देखते हैं भाई कुछ पॉइंट है और कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे अगला चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं भाई। देखिए जीके नाउ करंट अफेयर्स की है, मासिक पत्रिका है, उसी का हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। आइए देखते हैं, कह रहे कि नौवे एशियाई खेल में हांगझू चीन में 23 सितंबर से 8 सितंबर। तो ये एशियाई खेल जो है आपका खत्म हो गया है। तो ये आपको हम इसमें जो है हम सितंबर में अक्टूबर की जो मासिक पत्रिका है उसको हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, फिर आपको हम अक्टूबर वाली जो आएगी नवंबर में उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हम ही देख रहे हैं। चलिए भाई, तो ये आपका तो शुरुआत दिया है नौवे एशियाई खेलों जो खेल जो है हांगझू चीन में। देखिए इसका आयोजन ध्यान रखिएगा, ये कब से हो रहा है। देखिए 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये 2023 तक चलेगा। ठीक है, तो ये हम करंट जो है 1 से 30 सितंबर तक लिए हैं। ठीक है, 30 सितंबर तक है आपका, जो अगली मासिक पत्रिका आएगी वो नवंबर में आएगी अक्टूबर का। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ ध्यान देना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, यहाँ पे देखिए आप क्रिकेट है। कह रहे ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आधिकारिक गान दिल जश्न बोले जारी किया। तो ये आपको याद रखना, ठीक है भाई, ये याद रखना है कि ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की आधिकारिक गान क्या था, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, दिल जश्न बोले। ठीक है, चलिए जो पॉइंट है आपको हम सर्किल कर देते हैं भाई, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कहने की 20 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप, देखिए आपका विश्व कप चल रहा है, के लिए आधिकारिक गान जारी किया जो 5 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप वर्तमान में चल रहा है तो आपको याद रखना है। ठीक है, थीम गाने के साथ आगे देखते, तो यहाँ पे आपको फिर वही है एंथम जो है, आपको एंथम पूछा जा सकता है, तो विषय पूछा जाता है, तो ये दिल जश्न बोले, ठीक है, विश्व कप का सांग है। और देखते हैं, आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं, कर एंथम के वीडियो में रणवीर सिंह को ट्रेन के डिब्बे में दिल जश्न बोले गाने ठीक है। आइए आगे देखते हैं भाई, अगला पॉइंट है देखिए एशिया कप, देखते हैं एशिया कप भारत ने जो है
श्रीलंका को हरा दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आइए, देखिए भी कहने कि भारत ने श्रीलंका को हरा कर क्रिकेट में एशिया कप जीत लिया है। ठीक है, तो भारत विजयी रहे। तो आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। कहने कि भारत ने 17 सितंबर को कोलंबो में फाइनल में श्रीलंका को हरा कर क्रिकेट में एशिया कप जीता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है भाई। कहने कि श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन वह 15.2 ओवर में मात्र 50 रन पर ही बना सकी थी। तो ये आपने ये मैच देखा भी होगा, तो उन्होंने केवल 15.2 ओवर में उनकी पूरी टीम क्या हो गई थी, सिमट गई थी, जिसमें उन्होंने 50 रन ही बना सके। ठीक है, अब देखिए भाई और कुछ देखते हैं। कहने कि भारत के मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने 51 रन के लक्ष्य को मात्र 6.1 ओवर में सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, तो मतलब वो विजयी रहे। और देखते हैं, अगर ये यार आपको पॉइंट रखना है भाई, ये पांचवा पॉइंट याद रखना है, मोहम्मद मिराज को प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया। तो किसको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, मोहम्मद सिराज को, और कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो ये आप दो पॉइंट याद रखिएगा, पांचवा। आगे देखते हैं भाई, अगला देखते हैं पॉइंट कोई यहाँ पे है। बात चलिए ये कोई पॉइंट, अगला देखते हैं यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, आइए देखते हैं ये पॉइंट। अगला कह रहा कि कोको गॉफ ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंस प्रश्न हो जाएगा। तो कोको गॉफ ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल खिताब जीत लिया है। तो ये नाम आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंस है। आइए अगला देखते हैं भी कुछ इसके बारे में। कोको गॉफ ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना पहला महिला एकल खिताब जीता है। तो पहला जीता है, इंपॉर्टेंस है। उन्होंने 10 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क में खिताबी मुकाबले में आर्याना सवालेंका को हराया। तो किसका भाई, आर्याना सवालेंका को, जो इन्होंने पराजित किया है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और कुछ चलिए ध्यान दीजिए इसमें, यानी कि गॉफ की जीत कड़े संघर्ष के बाद 2-6, 6-3, 6-2 के अंतिम स्कोर के साथ हुई। देखिए 40 दिनों की अवधि के भीतर गॉफ ने 3 महत्वपूर्ण खिताब जीते और अपने पिछले 19 मैचों में से 18 जीते हैं। ठीक है, और कोई चलिए और देखते हैं अब। अगला देखिए भी, नोवाक जोकोविच ने, आइए यहाँ पे खोलते हैं। करें नोवाक जोकोविच ने अपना 4th यूएस ओपन और अपना 24th ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता है। चलिए भी देखते हैं। तो नोवाक जोकोविच ने 10 सितंबर 2023 को डेनियल मेदवेदेव को सीधे सेंटों से हराकर न्यूयॉर्क के आर्थर एशे स्टेडियम में अपना 4th यूएस ओपन, देखिए 4th यूएस ओपन इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, और अपना 24th ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता है। ठीक है, तो ये 24th इनका है और यूएस ओपन जो है 4th है। ठीक है, तो ये आपको नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन जीत लिया है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंस प्रश्न है। आइए अगला देखते हैं। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं डूरंड कप। देखिए भी डूरंड कप का ये सिंबल, ये देखिए अगला है। कहने कि डूरंड कप 2023 फाइनल मोहन बगान एमजी ने ईस्ट बंगाल एफसी को हराया। तो मोहन बगान एसजी ने ईस्ट बंगाल एफसी को क्या कर दिया गया, हराया। कहने का मतलब मोहन बगान एसजी ने डूरंड कप 2023 फाइनल जीत लिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं भी, कहने कि डूरंड कप 2023 का फाइनल 3 सितंबर को कोलकाता विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में हुआ। फाइनल मुकाबला कट्टर प्रतिद्वंदी मोहन बगान सुपर ज्वाइंट और ईस्ट बगान फुटबॉल क्लब के बीच था। मोहन बगान एसजी ने 1-0 से जीत के साथ अपना 17वां डूरंड कप खिताब जीता है। ठीक है, तो कितना जीता है ये भी याद रखना है, 17वां। ठीक है, और किसने जीता है, ये मोहन बगान एसजी ने। यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंस होता है डूरंड कप, ठीक है, 2023। आगे देखते हैं और भी इसमें इम्पॉर्टेंस है। अब देखिए और क्या बचा, भारत ने पाकिस्तान को,
आइए, ये आपका इंपॉर्टेंस होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कहते हैं भारत ने पाकिस्तान को हरा कर पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंस होता है। तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी 5S जो प्रतियोगिता हुई है, एशिया कप जो है 2023 में भारत ने जीत लिया है। आइए देखते हैं कुछ इसके पॉइंट है। कह रहे कि भारत ने 2 सितंबर 2023 को सलाह ओमान में, देखिए ओमान में फाइनल में पाकिस्तान को पेनाल्टी शूट आउट में हरा कर उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीत लिया है। तो ये कहाँ हुआ है भाई, इसे भी याद रखना है। तो ये ओमान में हुआ है, ठीक है, सलाह ओमान में जो है हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, बस इसमें आपका यही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये आपको हो गया है, ठीक। तो इसमें ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीत लिया है।